हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स। मैं सिविल इंजीनियर प्रोफेशनल रिक सर्टिफाइड क्वांटिटी सर्वेयर अरविंद सिंह आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रीइंफोर्समेंट चेकलिस्ट की। कि फ्रेंड्स, रीइंफोर्समेंट चेकलिस्ट मतलब कि आपका कॉन्ट्रैक्टर जब आप सरिया वो बांध देता है तो फ्रेंड्स आपको वो कहता है कि सर आइए और साइड पे रीइंफोर्समेंट चेक कीजिए ताकि हम अपनी शटरिंग वर्क को स्टार्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है आपको उसको गो अहेड देने से पहले। आपको उससे कुछ चीज़ें मांगनी होती हैं, लाइक क्या उसने लेटेस्ट ड्राइंग के अकॉर्डिंग काम किया है साइट पे, बीबीएस जो है उसका जो है वो रेडी है, क्या उसने बीबीएस सबमिट किया है, और उसके बाद जो है क्या वो जो रीइंफोर्समेंट यूज़ कर रहा है उसका वो एज पर जो है हमारे कॉन्ट्रैक्ट है जो मेक है उसका वो, उसके बाद उसने क्या उसका एमटीसी सर्टिफिकेट जमा कराया है, मतलब मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट जो है वो जमा कराया है उस मटेरियल का। अगर ये सारी चीज़ें ओके मिलती हैं आपको और उसके बाद आप साइट पे जाते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, वी विल डिस्कस विद यू दैट थिंग इन आवर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं रीइंफोर्समेंट चेक लिस्ट। जब आप साइड पे जा रहे हैं तो अगर आपका वेंडर कहता है कि सर उसका जो है रीइंफोर्समेंट ओके है, आप चेक कीजिए सो दैट कि ही विल स्टार्ट हिज शटरिंग वर्क, तो आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, आपको बातें ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है वो है रखना है फ्रेंड्स टाया ऑफ बार फिक्स्ड एज पर बीबीएस। सेकेंड, आपको नंबर ऑफ बार फिक्स्ड एज पर बार बाइंडिंग शेड्यूल। थर्ड, आपको ध्यान रख ऑफ लेंथ ऑफ बार फिक्स्ड एज पर बीबीएस। उसके बाद फोर्थ आपको याद रखना है फ्रेंड्स स्पेसिंग ऑफ बार्स एज पर BBS और ड्राइंग सफिशिएंट लैप्स और डेवलपमेंट लेंथ शुड बी प्रोवाइडेड। उसके बाद आपको याद रखना है फ्रेंड्स नंबर ऑफ स्ट्रप्स, नंबर ऑफ स्टरप्स और डाया ऑफ स्टरप्स। डाया ऑफ स्टरप्स शुड बी एज पर ड्रॉइंग। उसके बाद आपको याद रखना है फ्रेंड चेक स्टरप्स लोकेशन एट कॉलम एंड बीम जंक्शन। इसके बाद आपको याद रखना है फ्रेंड्स चेक नंबर ऑफ चेयर्स और डिस्टेंस बिटवीन चेयर्स। उसके बाद आपको याद रख चेक कवर इन स्लैब बीम कॉलम एक्सेट्रा। उसके बाद आपको याद रखना है फ्रेंड्स टेंथ, आपको याद रखना है प्रोविजन फॉर डावल्स का प्रोविजन है कि नहीं है, डावल्स बार चेक गेज ऑफ बाइंडिंग वायर। चेक गेज फॉर बाइंडिंग वायर। इसके बाद आपको याद चेक जो है आपको लोकेशन ऑफ कॉलम
mark at slab top and one ring should be bind fixed should be fixed. So friends, इसको डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट आर दीज फ्रेंड्स, जब आप साइट पे जाते हैं तो आपको देखना होता है ये पॉइंट्स. अगर आपने देखे तो फ्रेंड्स आप जो है आपकी गलतियां होने के चांसेस उतने कम हो जाते हैं स्टील के अंदर. तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपने क्या देखना होता है, डाया ऑफ बार फिक्स्ड एज पर बीबीएस है कि नहीं है, नंबर ऑफ बार फिक्स्ड एज पर बीबीएस है कि नहीं है, लेंथ ऑफ बार फिक्स्ड एज पर बीबीएस है कि नहीं है. जो भी हम सरिया यूज कर रहे हैं फ्रेंड वो एज पर बीबीएस है कि नहीं है. क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम सरिया बांधते हैं तो उस पे जो है कई बार बीच में जो है छोटा बड़ा कर देता है या फिर हमारा जो है जो सरिया है फ्रेंड्स वो नो लैप जोन के अंदर होता है. तो ये आपको चीज चेक करनी है कि वो प्रॉपर है कि नहीं है, स्पेसिंग बिटवीन द बार्स जो है फ्रेंड्स वो प्रॉपर है कि नहीं है. ऐसा नहीं हो कि कॉलम्स में कहीं पे बहुत ज्यादा गैप हो सरिया के वर्टिकल बार्स के अंदर और कहीं पे बहुत कम हो. तो फ्रेंड्स उससे क्या होगा कि जब आप कंक्रीटिंग करेंगे तो वो प्रॉपर कंक्रीटिंग नहीं होगी, आपकी कंक्रीटिंग के अंदर हनीकॉम्बिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो फ्रेंड्स वो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, एज पर ड्रॉइंग होनी चाहिए. सफिशियंट लैप्स फॉर डेवलपमेंट लेंथ और शुड बी प्रोवाइडेड. लैप्स के लिए जो फ्रेंड्स आप जो पढ़ते हैं जनरली 50D हम लोग यूज करते हैं, बट एज पर जो है इस डिपेंड्स अपॉन आल्सो अ ग्रेड ऑफ कंक्रीट. तो वो लैप जो है वो फ्रेंड्स वो प्रॉपर दे रहा है या नहीं दे रहा है, और लैप अगर दे रहा है तो प्रॉपर लैप जोन के अंदर है कि नहीं है, दिस इज वेरी क्रिटिकल. और फ्रेंड्स इस पर बहुत ज्यादा लोग मिस्टेक करते हैं, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरियस पॉइंट है, आपको इसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए और साइड पे अटेंड करना चाहिए जब आप स्टील चेक करने जाए. उसके बाद नंबर ऑफ स्ट्रक्स जो आप सरिया बांध रहे हैं, रिंग्स बांध रहे हैं, रिंग्स में जो है फ्रेंड्स वो डाया और बार उसका सही है और उसके बीच में गैप वो प्रॉपर है कि नहीं है. उसके बाद स्ट्रेप्स लोकेशन कॉलम्स के अंदर जो है फ्रेंड्स वो सही है कि नहीं है, नंबर ऑफ स्ट्रेप्स सही है कि नहीं है. बिम्स जब हम कॉलम और बिम का जंक्शन है वहां पर हम लोग स्ट्रेप्स देते हैं तो वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है. कई बार कॉलम्स कॉन्ट्रेक्टर क्या करते हैं फ्रेंड्स बिम के बॉटम तक ही छोड़ देते हैं, उसके ऊपर नहीं प्रोवाइड करता था. यू शुड हैव टू आस्क हिम कि प्लीज फिक्स एट दैट पॉइंट ऑल्सो. तो उसके बाद जो है फ्रेंड नंबर चेक नाउ, अगर आप फाउंडेशन या राफ स्लैब की बात कर रहे हैं तो वहां पर आपको नंबर ऑफ चेयर्स, डाया ऑफ चेयर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द चेयर्स आपको जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये आपको हेल्प जब आप वेस्टेज कैलकुलेट करेंगे तो कॉन्ट्रेक्टर्स क्या करते हैं चेयर्स और स्पेसिंग को स्पेसर्स को बहुत ज्यादा जो अपना वेस्टेज है वो उसमें एडजस्ट कर लेते हैं. सो यू शुड हैव टू चेक द चेयर डिस्टेंस एंड चेयर डाया ऑफ बार्स. चेक कवर स्लैब में, कॉलम्स में, बीम्स में, जो भी आपका कंक्रीट मेंबर है, आरसीसी मेंबर है, उसमें वो कवर प्रोवाइड प्रॉपर कर रहा है या नहीं कर रहा है. कवर अगर दे रहा है तो उसका जो है फ्रेंड्स वो मटेरियल सही है कि नहीं है, वो चेक करना आपको. चेक डाया ऑफ बाइंडिंग वायर. फ्रेंड जो बाइंडिंग वायर का डाया हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है क्या वो उसको यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है. जनरली जो है फ्रेंड्स आपको एक चीज बता दूं कि 8 किलो जो है पर मेट्रिक टन के अंदर हमारा बाइंडिंग वायर जो है वो यूज होता है. तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना चाहिए. इंटरव्यू में भी कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, हाउ मच व्हाट क्वांटिटी विल बी यूज्ड फॉर पर मेट्रिक टन. तो ये आपको 8 किलो ही बोलना होता है, 7 से 8 किलो के बीच में वेरी करता है. और उसके बाद आता है फ्रेंड्स चेक लोकेशन कॉलम्स जो है. अगर मान लीजिए बिल्डिंग आपका 2-3 फ्लोर पे, अभी आप ग्राउंड फ्लोर के सरिया चेक कर रहे हो, तो क्या उसने प्रोविजन रखा है नेक्स्ट फ्लोर पे डावल छोड़े हैं प्रॉपर. अगर डावल छोड़े हैं तो वो नो लैप जोन के अंदर है या फिर लैप जोन के अंदर ही फिनिश कर दिया उसने, ये देखना है. और सेकंड फ्रेंड इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है, मान लीजिए आपका कॉलम नीचे बड़ा साइज का है 1 मीटर का है, ऊपर जाके वो 800x800 का हो रहा है, तो फ्रेंड्स आप देखेंगे हमारा रिड्यूस हो रहा है. वो रिड्यूस सही जगह पे दे रहा है और सही जगह पे उसने लोकेशन मार्क करी है, और जो सरिया हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं कॉलम का साइज कम होने पे, तो वो क्या प्रॉपर है कि नहीं है. क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत बड़ा मिस्टेक पॉइंट है, इसमें बहुत लोग मिस्टेक करते हैं. तो आप जब कॉलम का साइज रिड्यूस हो रहा हो या एक्सपेंड हो रहा हो तो आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि वो रिइंफोर्समेंट सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अदरवाइज कास्टिंग के बाद आपको दिक्कत उठानी पड़ सकती है जब आप नेक्स्ट फ्लोर पे रिइंफोर्समेंट चेक करने जाएंगे. तो फ्रेंड्स दीज आर द सर्टेन पॉइंट्स व्हिच वी हैव डिस्कस अबाउट द रिइंफोर्समेंट चेकलिस्ट. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें. हम ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे. फ्रेंड्स अगर आप यहां से शॉर्ट टर्म कोर्सेज करना चाहते हैं लाइक क्वांटिटी सर्वे, स्ट्रक्चर डिजाइन, लैंड सर्वे, क्यूक्यूसी एंड मेनी मोर, यू कैन जस्ट विजिट अवर वेबसाइट. यू गेट ऑल द डिटेल्स इन अवर वेबसाइट. और अगर आप करना चाहते हैं तो वी हैव 100% जॉब असिस्टेंस एंड लोएस्ट कोर्स फीस इन ऑल इंडिया. तो फ्रेंड्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज कॉल अस, कॉन्टेक्ट अस. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग.